ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बुरी नजर घर में लाती अशांति और दरिद्रता। अब आपके घर में बुरी नजर कौन ला रहा है, कौन व्यक्ति ला रहा है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, और ऐसे कौन लोग हैं वो भी आप जाने। और बुरी नजर से आखिरकार हमारे घर पर क्या संकेत है जिससे हम जाने कि हमारे घर पर बुरी नजर लग चुकी है। नजर लगने को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। नजर लगने की वजह से व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है और उसको कई सारी अड़चने अपने कार्य में आने लगती है। लोग अक्सर बीमार भी रहने लगते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिष में नज़र लगना या नज़र दोष को काफ़ी माना जाता है। नज़र लगने को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क में अगर हम नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे भी नज़र लगना कहते हैं। नज़र लगने की वजह से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ठहर जाती है और व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। नज़र लगने से लोग अक्सर बीमार भी रहने लगते हैं। खास तौर पर बच्चों को बहुत जल्दी किसी की नज़र लग जाती है। आइए जानते हैं कि नज़र लगने से व्यक्ति पर क्या क्या असर होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जब कभी भी किसी व्यक्ति को नज़र लगती है, वह बहुत ज़्यादा और जल्दी बीमार पड़ने लगता है। मन बिना वजह अशांत रहता है और आसपास सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। आपसी संबंधों में भी इसका असर पड़ने लगता है। किसी को घर नज़र लग जाए तो सदस्य के बीच आपसी कलह और कलेश बढ़ता है। सारा धन बीमारी में खर्च में होने लगता है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से रोजगार में भी उतार चढ़ाव आने लगते हैं। कारोबार में भी लगाया हुआ धन फंस जाता है। नज़र लगने से परिवार के लोगों के बीच प्यार नहीं रहता है दोस्तों। अब आप जाने कि कौन नज़र लगा रहा है, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस शुल्क लागू है। अगर बच्चों को बुरी नज़र लगती है तो एक लाल सूखी मिर्ची लेकर बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर आग में जला देना चाहिए। जब तक मिर्च जले ना, तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखें। घर को अगर नज़र दोष से बचाने के लिए घर में कूड़ा कबाड़ न जमा होने दें। पूजा स्थान पर हर शाम को दीपक जरूर लगाएं। सप्ताह में एक बार घर में भजन कीर्तन का आयोजन जरूर रखें। नौकरी में बार बार समस्या आ रही है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करें और बुरी नज़र से बचने के लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ें समझना हो अपने घर के बारे में, या इस तरह की कोई बुरी नज़र से या कोई नेगेटिविटी से आप परेशान हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।